और ये है शार्क टनल। मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, आप एक्वेरियम के अंदर सर डाल के भी देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे ये लोग देख रहे हैं। तो ये और अब हमें एक्वेरियम के अंदर आप देख सकते हैं, ये आप कभी मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता। इन सबसे कह दो सब्सक्राइब टू अर्जवर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और ये बता रही है बेल आइकन दबाना ना भूले। इसको फोटोशूट का बड़ा शौक है, 3-4 बार कैमरे की सामने से निकल चुकी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्जवर। सोमनाथ द्वारिका के बाद अब हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में समय हम लोग आए हैं साइंस सिटी में। इसके बारे में मुझे एक इंस्टाग्राम की रील से पता लगा कि मतलब यहाँ पे एक्वेटिक काफी बढ़िया है, पेंगुइन वगैरह हैं और भी काफी कुछ है जो आपको मतलब दिखा सकते हैं हम। तो सोचा कि चलो भाई, जब अहमदाबाद आए हैं तो चलते हैं यहाँ पे। उसकी दूरी वहां से केवल 16 किलोमीटर है जब आप बस स्टॉप पे उतरेंगे अहमदाबाद के, और बाकी आगे जो कुछ भी है यहाँ का टिकट प्राइस वगैरह और क्या क्या है, क्योंकि हमने इसको गूगल मैप में भी देखा तो उसमें बता रहे थे कि रोबोटिक्स का भी है, एक्वेटिक का भी है, और एक कुछ नेचर पार्क करके भी है। तो जो कुछ भी है जैसा भी आपको दिखाते हैं टिकट प्राइस वगैरह जो कुछ भी है, तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं अंदर। लेकिन वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, सबको बताओ साइंस सिटी वाकई में कैसी है, क्योंकि मेरे जो चैनल है उसमें केवल ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, कोई झूठी तारीफ नहीं करनी, जो भी जगह जैसी है वैसा ही इसको बताते हैं हम लोग। तो चलो फिर जल्दी से अंदर चलते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जैसा भी लगे ये जगह कमेंट करके बताओ। चलो फिर अब मिलते हैं सीधे साइंस सिटी के अंदर। तो यह है गेट नंबर 2 जहां से गाड़ी और पैदल वाले दोनों की एंट्रेंस है। परेडो सामने देख रहा है, यहां से टिकट मिलेगी और वो है इसका मेन एंट्री गेट वहां पे। तो यार अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लो कि किस तरीके से यहाँ का एंट्री का तरीका है। ये देखिए पर्टिकुलर का, जनरल का, स्कूल ग्रुप का अलग होंगे, प्राइस कम रहते हैं, रोबोटिक्स का ये, एक्विटी का ये, पार्किंग का भी दिया हुआ साथ ही साथ। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, और आपको बता दें कि यहाँ पे कैश नहीं एक्सेप्ट है, एटीएम या फिर गूगल पे वगैरह ही एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो जिन लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। तो चलो फिर आप सीधे मिलते हैं एक्वेटिक में। साथ ही बता दें कि ये जो टिकट काउंटर है यहाँ से केवल 50 रुपीज पर पर्सन की एंट्री, यहाँ पे केवल शार्ट लगा हुआ है कि जब आप 50 रुपीज पर पर्सन की एंट्री ले लोगे उसके बाद कहाँ आपको जाना है, कितना पैसा आपको देना है वो। तो आपको जो पीछे मैंने दिखाई थी वो जो एंट्री गेट है वहां पे अब एक्वेटिक की 200 पर पर्सन एंट्री मैं लूंगा, जो आपको पूरा एक्वेरियम का टूर कराएंगे हम लोग सारा। तो हम लोगों ने नहीं बुक किया क्योंकि इतना टाइम नहीं था, वरना जो पूरा चार्ट है वो पूरा बुक करते हैं, लेकिन वो काफी फिर कॉस्टली भी जाता। तो जब आप पर पर्सन 50 की एंट्री ले लोगे तो इस तरीके की स्लिप मिलेगी। तो अब आपको दिखाते हैं अंदर क्या कुछ है। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, अभी तक नहीं किया तो एक बार पहले भी बोल चुके कर दो। एंट्री के बाद आपको ये व्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए गाड़ी वगैरह भी है पूरा अंदर का टूर कराने के लिए, उनका भी अपना कुछ चार्ज होगा। और बाकी यहाँ पे देखिए एस रामानुजन, एर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन सब के बारे में भी लिखा हुआ है ये देखिए। और बाकी ये सब है, ये देखिए यहाँ की गाड़ी है, विंटेज कार वाला लुक दिया हुआ है बिल्कुल। बाकी मुझे कार से ज्यादा अच्छा लगता है पैदल जाने में। चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं एक्वेटिक में, लेट्स गो। तो यहां से एंट्री है एक्वेटिक वर्ल्ड की। खाने पीने के कैंटीन्स भी हैं, साथ ही बता दें कि यहां पे गोल्फ कार्ट वगैरह भी है।
को यार काफी बड़ा बनाया, काफी बड़ा बनाया इस पार्क को, इसमें कई तरीके के पार्क भी हैं, एनर्जी पार्क, नेचर वाला भी है, और भी कई सारे हैं, प्लैनेट्स वाले भी हैं जो आउटर स्पेस में आपको ले जाएंगे, और काफी बड़ा बनाया इसको, जिसकी वजह से काफी चलना पड़ता है एक्वाटिक पार्क के लिए। और अभी आप मेरे सामने जो है वो है नेचर पार्क, जहां हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक्वाटिक पार्क में। अचानक से एक्साइटमेंट आ गई होगी ना, दिखा नेचर पार्क जहां हम लोग, फिर मैंने बोल दिया नहीं जा रहे हैं। तो चलिए फिर जहां हम लोग जा रहे हैं वहां का आपको तो दिखाते हैं थोड़ा बहुत आसपास का भी। हर कदम पे इन बोर्ड्स की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि जब भी फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको पता ही नहीं कि भाई आखिर है तो है कहाँ जहाँ आपको जाना है। इतना ज्यादा चलने के बाद अब लग रहा है कि हाँ शायद एक्वाटिक में हम लोग आ चुके हैं। इसका नाम है एक्वाटिक गैलरी, और ये देखिए इतने सारे हैं यहाँ पे। इसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें केवल एक्वाटिक ही लगा, क्योंकि मैंने उसको खुद रील्स में देखा था, तो मेरे को लगा यही सबसे अच्छा है, और वाकई सबसे अच्छा है, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो सब आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। ये एक है जिसमें आपको वाकई शार्क वगैरह देखने को मिलेगी, ऐसा मेरे को बाहर वाले एक आदमी ने बोला था, मतलब यहाँ की टिकट जो बेचता है वो, ऐसे कोई रोड चलता नहीं। अब यार सामने से तो काफी अच्छा लग रहा है, तो चलो सीधे वहीं चल के आपको दिखाते हैं। और आई गेस ये है, और ये है प्लैनेट अर्थ का एंट्रेंस। आप देख सकते हैं बड़ा सा ग्लोब बनाया हुआ है जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब फाइनली एक्वाटिक गैलरी वाले रोड पे भी हम लोग आ गए हैं। तो अब ये है एक्वाटिक गैलरी की बिल्डिंग, एक बड़ी सी वेल देखने को मिलती है यहाँ पे, और वहां से उसकी एंट्रेंस। और अभी यहाँ पे भी कुछ नया बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी। ये प्लेस अभी भी फुली कंप्लीटेड नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और देखो वहां पे भी क्या कुछ इंटरेस्टिंग सा बनता है। तो अभी हम लोग फिलहाल बढ़ते हैं अपने एक्वाटिक गैलरी की ओर। यार जो एक्वाटिक गैलरी की टिकट है वो उससे भी ज्यादा दूर मिलती है, पहले तो एक्वाटिक गैलरी के लिए इतनी दूर तक चल गया, उसके बाद उसकी टिकट के लिए भी और थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है। बट हाँ ये जगह अच्छी है, ऐसा है कि जो कोई भी अहमदाबाद में हो, ये काकरिया के पास है साइंस सिटी। और हाँ अगर आप किसी से कहोगे कि साइंस सिटी जाना है तो वो आपको साइंस सिटी रोड पे ले आएगा, आप उससे यही कहना कि जो साइंस सिटी वर्ड बना हुआ है वहां पे लेके आए, क्योंकि करेक्ट प्लेस यही है। सबसे पहले हम भी अभी जब यहाँ पे आए तो हमको साइंस सिटी रोड पे कह रहा कि हाँ भाई यही साइंस सिटी का एरिया है। मैंने कहा साइंस सिटी का एरिया नहीं, जहाँ पे एक्वाटिक वर्ल्ड बना हुआ है, क्योंकि मेरे को यही पता था कि एक्वाटिक वर्ल्ड है यहाँ पे। यहाँ पे आके पता लगा कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। तो हाँ मस्ट विजिट करें यहाँ पे, जो कुछ भी यहाँ पे डेकोरेशन है, बिल्डिंग्स की जो डिजाइन है, यहाँ बहुत अच्छी है फोटोशूट वगैरह के लिए। तो चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं कि टिकट का क्या प्रोसीजर है। लेकिन सबके पहले भाई वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों में, उनसे भी बात करो कि यार ये प्लेस है जाने लायक, है वर्थ इट है कि नहीं है, अपने घर वालों से शेयर करो कि आपको लेके जाए। तो चलो फिर अब बढ़ते हैं टिकट लेने की ओर, लेट्स गो। हाँ तो यार टिकट हो चुकी है, 200 रुपए पर पर्सन, मैं मम्मी पापा आए हुए हैं, 600 रुपए की। इस तरीके की आपको टिकट देखने को मिलेगी जो कि आगे स्कैन हो जाएगी। तो हाँ आज ये बता दें, आज पहली बार है जो मेरा एटीएम कार्ड 1.5 साल बाद पहली बार यूज हुआ है, वरना तक केवल कैश पे चल रहे थे। फर्स्ट टाइम मैंने अपना एटीएम कार्ड यूज किया, मैं तो लग रहा था शायद ब्लॉक ऑक हो गया होगा यार, अब तो बंद हो गया होगा, लेकिन ये भाई एटीएम मेरा चल रहा है, पैसे उससे कट चुके हैं। अभी तक मम्मी पापा हमें घुमा रहे थे, अब हम मम्मी पापा को घुमा रहे। चलो फिर अब सीधे दिखाते हैं एक्वाटिक वर्ल्ड के अंदर का, हमने फिर से गलत नाम बोल दिया, एक्वाटिक गैलरी है, वर्ड भी बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन चलो एक्वाटिक गैलरी टिक, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ सब लोग वीडियो लाइक कर दो, यहीं पॉज करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों से। तो चलो फिर बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एक्वाटिक गैलरी की तरफ। पहली बार में सही नाम बोला। ये है एक्वाटिक गैलरी की एंट्रेंस, एस्केलेटर से आपको नीचे जाना है, और यहाँ मेरा पैर स्लिप होते होते बचा। सो नाउ आई विल टेक यू टू द इनसाइड।
सेंसर वाले डोर है, जाओगे अपने आप खुल जाएंगे। एंड नाउ वी आर इनसाइड द एक्वेटिक गैलरी, जहाँ बच्चे ज्यादा आ जाते हैं वहाँ चिल्लपो ज्यादा हो जाता है थोड़ा। ये लोग एक ग्लास के रिफ्लेक्शन से लोग भी दिख रहे हैं। एक तो और सिर्फ नीचे ही नहीं, यहाँ पे रूफ पे भी पूरा वाटर है। ये पूरी जो रूफ है इसमें पूरे में ग्लास लगा हुआ है और इस पूरे में भी एक एक्वेरियम टाइप का बना हुआ है। और सेम ऑन द अदर साइड इस तरीके का एक एक्वेरियम यहाँ पे है। And now moving forward, this is what we see. ये देखिए इस तरीके के एक एक्वाटिक वर्ल्ड की पूरी मूवी चल रही होती है यहाँ पे। और पूरा चारों तरफ एक्वेरियम्स हैं और फिश के रेप्लिका मॉडल्स भी ऊपर ये देखिए लगे हुए हैं। आपको जूम करके दिखाते हैं, शार्क का है, ये कौन सी फिश है मुझे नहीं पता, हाँ देखा लेकिन कई बार है देखिए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, आप एक्वेरियम के अंदर सर डाल के भी देख सकते हैं बिल्कुल जैसे ये लोग देख रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी हम आपको अंदर से शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। इस तरीके की केव से गुजरना पड़ता है इसके लिए और अब हम हैं एक्वेरियम के अंदर। और अब हम हैं एक्वेरियम के अंदर, ये देखिए क्लोज शॉट दे रही है। और इसी केव से अब चलना है बाहर। और इस समय आप मेरे पीछे फिर से वही स्क्रीन देख रहे हो जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। चलिए अब आपको और कुछ दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। सुनने में तो है कि यार शार्क भी है, एक लौती वही फिश है जिसको देखने को मन करेगा। बाकी छोटी मोटी फिश को देखने का मन वैसे कुछ खास तो नहीं करता है, सब लोग जानते हैं भले बोले कोई कुछ भी। चल दिखाते हैं आपको और क्या कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है इंडियन जोन का, पास करके देख लो क्या कुछ लिखा हुआ है। और इसमें है फिश जिसको कहते हैं रिवर डॉल्फिन, इस तरीके का बना है। और जो कोई भी फिश एक्वेरियम है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, पास करके देख सकते हैं। Another aquarium and another one, but आपको दिखाते हैं वो जानवर जिसमें आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, कोएपो, चूहे की एक बड़ी प्रजाति। दोनों में जो ये दो एक्वेरियम बने इन दोनों में ही जैसे कि वो अंदर जाने का रास्ता था एक केव से होते हुए, जिसे आप एक्वेरियम के अंदर का एक्सपीरियंस ले पाएंगे वो दोनों एक्वेरियम में आपको देखने को मिलेगा, वो वाले में भी और ये वाले में भी। और एक आगे बढ़ने पे हम लोगों को मिलता है मेक मा फिश, उसकी स्क्रीन ये है प्रोजेक्टर के थ्रू चल रही है और इसमें भी देखते हैं क्या होता है। चलिए ट्राई करते हैं कुछ। तो इन स्क्रीन्स में कुछ ऐसे वर्क होता है और अब आप देख सकते हो कि ये कलर चूज किया यहाँ पे हो गया और ये टच किया
पे हम दे देते हैं ये वाला पैटर्न, ये देखें। हाँ और टैटू भी करा सकते हैं फिश पे भाई, टैटू वाली। फिश भी टैटू करा सकती, बस हम ही नहीं करा सकते, अलाउ ही नहीं करते घर वाले। ये देखे फिश गई और अब वहां पे अपनी फिश आ गई। जो फिश हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जो यहाँ पे जो ग्रीन एक को होल देता है सुपर मारियो में देखने को मिलता है, वो चेम्बर टाइप का, वहां से फिश निकलती है। देखिए जो हम लोगों ने बनाई थी वो यहाँ से निकली है, देखो जा रही अपनी टैटू वाली फिश। बस आगे आने पे आपको देखने को मिलेगी ये टेबल, जिसमें आपको फिश की जानकारी मिलेगी। इसमें अभी भी टच स्क्रीन है, आप देख सकते हो कि कौन सी फिश कौन सी होती है, क्या नाम होता है, उसके बारे में सब कुछ। और आई थिंक ये है मैप एक्वेटिक गैलरी का। हम लोग इस टाइम है यहाँ पे इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे भी इसमें भी है, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है क्या। इसमें कुछ नहीं शो कर रहा, बस इतना ही शो कर रहा है कि आप कहाँ पे हैं और कौन सी फिश क्या है। इस सब के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, देखिए द रूम फुल ऑफ जीरो वाटर फिशेस। और ये वाले एक्वेरियम में तो लगता है शायद मछलियों ने सूसू थोड़ी ज्यादा कर दी। ये देखो फोटो शूट करा ये है कैटफिश, इसको फोटोशूट का बड़ा शौक है, तीन चार बार कैमरे की सर्विस निकल चुकी है। ये तो कुछ और अच्छा, और ये वो मछलियां हैं जो बौनी छूट गई, बौनी। हेलो, इन सबसे कह दो सब्सक्राइब टू अर्जवर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और ये बता रही है बेल आइकन दबाना ना भूले। हाँ तो ये कह रही है, हाँ तो लोग सब लोग वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो अर्जवर को। बस थिंग इज कि यहाँ पे जो भी एक्वेरियम है उन सबके फिश की पूरी पूरी जानकारी भी देख रखी हुई है, जैसे कि इस फिश के बारे में। वीडियो पॉज करके जिसको मानो वो पढ़ रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पे कोई पॉज नहीं करने वाला, फिर भी बस बोल दिया। और ये एकदम अभी अभी वॉल्केनो से निकले हुए फिश है, थोड़ी सी भुनी भुनी सी है, नहीं लग रहा अच्छा देख के, थोड़ा फ्राइड हो रेडी टू ईट है। यहाँ हर मछली नहीं नहीं करते वो चलती है, देखिए सब नहीं 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 ये भी करी नहीं। इसी तरीके से इस लाइन में अब है हम लोगों का आखिरी एक्वेरियम, और देखते हैं भाई यहाँ पे कौन से फिश है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये है टाइगर बाब, नियोन रोसी बाब और फाइव बैंडेड बाब। बाब मछली की तीनों प्रजातियां आपको सेम एक्वेरियम में देखने को मिलेंगी। Thank you.
तो ये फिश आपको देखने में लग रही होगी कि भाई ये तो पक्का शार्क है, बट नहीं, ये है पेंगस फिश। बहुत सारे फिशेस के एक्वेरियम यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आप कभी मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता। और हाँ, यहाँ पे ये रेयर फिश स्टिंगरे भी है। और ये देखिए क्रोकोडाइल के फेस वाली है। ये फिश बिल्कुल क्रोकोडाइल के फेस लेके पैदा हुई। अब आप समझ सकते हैं मेरी पापा इनके क्रोकोडाइल, मम्मी इनके फिश हूँ, या फिर इसका उल्टा। साथ ही पे यहाँ पे स्टिंगरे भी है, एक और कलर की स्टिंगरे भी है। वो सारी एकदम पोछा बन चुकी है, पता नहीं क्यों। तो ये वाली फिश अपने मटके वाले घर में ही रहती है। वेल दिस फिश लुक्स लाइक एनाकोंडा, लुक एट दिस। ये एक ही घर में इतने सारे क्या कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। और स्टिंगरे का भी एक सेपरेट एक्वेरियम है। Oh my god।
एंड आई गेस कि अब आप लोग सबसे इंटरेस्टिंग वाले में जाने वाले हैं, जो कि है शार्क टनल। और ये है शार्क टनल, यही वो जगह है जिसको मैं रील में देख के यहाँ पे आया, और वाकई ये जगह आने लायक है। इतने इंतजार के बाद फाइनली देखने को मिलती है आपको शार्क टनल में शार्क। वो देखिए मछलियों की भी अपनी एक नगरी बनी हुई है यहाँ पे। ये देखिए अभी तक का शार्क का सबसे क्लोज लुक है ये। और शार्क टनल की सबसे बड़ी शार्क इस एक्वेरियम में, जो आपको शार्क टनल क्रॉस करने के बाद मिले। तो ये ऐसा एरिया आता है शार्क टनल पार करने के बाद, और इसके बाद सीधे आपको एग्जिट गेट देखने को मिलता है। बट उसके पहले और कुछ भी जो रह गया है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन भी है जिससे आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि इस ओशन के कितने डीप में कौन कौन सी काइंड्स ऑफ फिश पाई जाती हैं। आप लेफ्ट और राइट भी स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको हर फिश के बारे में भी जानने को मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, और इसमें लिख के भी आता है कि आप कितने मीटर डीप में आप हैं। सर स्क्रॉल डाउन करते करते ऑलमोस्ट 5000 फीट तक आ चुके हैं। नाउ वी हैव क्रॉस द 5000 मीटर्स। तो यार स्क्रॉल करते करते हम लोगों ने 7000 मीटर के नीचे आ चुके हैं ओशन के, और पता नहीं यहाँ पे कौन ही सा क्रिएचर होता है। ये देखें बबल्स भी देखेंगे आप इस एनिमेशन। ये देखिए स्क्रॉल डाउन और करते हैं, देखते हैं कि ओके टाइडल स्नेर फिश आपको मिलती है ऑलमोस्ट 8231 मीटर पे, और देखते हैं और कितना नीचे तक ये जाता है। और ये देखिए ओके सो वी हैव क्रॉस 10,000 मीटर्स। इलेवन 1000 मीटर भी क्रॉस हो चुका है, ये यहाँ तक जाएगा। देखो 11,034 मीटर। सो यहाँ पे आके इसका एंड होता है। यहाँ पे दिखा रहे ना, एक्चुअली यहाँ पे सबसे दिखाएगा बॉटम ऑफ 11,994। अच्छा वो बाहर नहीं एग्जिट नहीं किया, और इस एक्वेरियम में स्टार फिश भी है। वो देखिए, और ये एक्वेरियम बिल्कुल ओपन है, ऊपर से बिल्कुल ओपन है।
अरे मर गए क्या भाई साहब, मर ही गए क्या? अच्छा जिंदा है। और ये है इस एक्वेटिक गैलरी के अंदर का एक रेस्टोरेंट जो कि एक शिप की तरीके डिजाइन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी सिटिंग एरिया ऐसा है, आप शिप में भी बैठ सकते हैं और फिर वहां से इसकी फाइनल एग्जिट है। और ये है इसके फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर कुछ इस तरीके से है कि आप ग्लास के ऊपर चल रहे हो और इस ग्राउंड फ्लोर में पानी भरा हुआ है। और अगर आप एक्वेटिक एनिमल के और भी बड़े फैन हैं तो आपके लिए शॉप भी है यहाँ पे, पेंगुइन वगैरह के यहाँ आपको यहाँ पे सॉफ्ट टॉय मिल जाएंगे। यार एक्वेटिक गैलरी का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप सब कुछ यहाँ तक घुमा दिया, सब बता दिया। तो यार आप वीडियो लाइक कर दो ना, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से, जैसी लगी हो यार कमेंट करके बताओ, अपने घर वालों से भी शेयर करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो कमेंट करके। साथ ही साथ ये भी बताओ कि आपको जगह वर्थ इट लगी, 50 रुपीज एंट्री और 200 रुपीज फॉर दिस एक्विटी पर्पस, क्या आपको लगता है कि ये जगह वर्थ इट है? भाई अगर लगता है, नहीं लगता है बताओ कमेंट करके यार। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो @jhwar_। बस यार यही तक थी ये ब्लॉग की अपनी वीडियो, और ऐसे ही और भी ज्यादा बेहतरीन वीडियो इनके लिए भाई बेल आइकन दबा दो, जल्दी इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, सच में आने वाली है। ऐसा नहीं कि एक अच्छी बना दी तो भाई बात खत्म, नहीं, बहुत सारी अच्छी होने वाली। वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें @jhwar_। सी यू गाइस अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग।